या मैम एक्चुअली मैं खुद ही एक फ्रेशर हूँ अभी, तो स्टार्टिंग पैकेज आप, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी है तो भी स्टार्टिंग आपकी 40,000 से हो जाती है। अगर आप बड़े शहर में जाए जैसे कि बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, जो कि ये हब्स हैं, इनमें आपको यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन 50 ऑल्सो। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि वो ऐसे पढ़ाया उन्होंने कि उस एक बार जो वो चीज़ सुन ली ना, उसके बाद वो बंदा उसको कोई भूल नहीं सकता। इंडिया में किसी भी कोने, मतलब लगा लो किसी भी कोने में आपको जाना, आप जा सकते हो। वर्क फ्रॉम होम लेना है वो भी ले सकते हो, अपने घर के पास अगर कोई कंपनी है तो। नहीं मैम, फीस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, फीस सिर्फ आपको तभी पे करनी है जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी मैम। जीरो फीस, जीरो फीस। एंड अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं। आप ये देखो कि फ्री में आपको एक 4 साल की बीटेक, जिसके नॉर्मली मोर देन 8 लाख होती है फीस, वो आपको फ्री में नॉलेज मिलेगी। गाइडलाइंस है ना, अगर वो आप फॉलो कर रहे हो ना, तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100% 200% गारंटी के साथ कि पक्का प्लेसमेंट लेके जाओगे। सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज्यादा खास होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज इस वीडियो में मेरे साथ है कनिष्क, जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी में वेब डेवलपर काम करते हैं, और इनके इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि इनको ये नौकरी कैसे मिली, और इनकी तरह अगर आप भी एक अच्छी प्रोफाइल में काम करना चाहते हैं बिना किसी टेक्निकल डिग्री के, तो किस तरीके से इस प्रोफाइल में या इस तरीके की प्रोफाइल में कैसे 100% प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि Amazon, विप्रो, इन्फोसिस, एडोबी जैसी बड़ी कंपनी में प्लेसमेंट हासिल कर सकते हैं, फ्रेशर को कितनी सैलरी दी जाती है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगा जाता है, कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं, बाद में जब आपकी प्लेसमेंट हो जाती है तब आपको उनकी फीस जमा करनी होती है, इन सारी चीजों के बारे में प्रॉपर जानकारी दूंगी कनिष्क के इंटरव्यू के थ्रू। लेकिन दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुड मॉर्निंग सर। या हाय, गुड मॉर्निंग मैम। कनिष्क, जैसा कि मैं आपके बारे में ऑलरेडी अपनी ऑडियंस को बता चुकी हूँ, बट फिर भी आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको दे दीजिए। ओके मैम, तो जैसे कि मैंने बता दिया, मेरा नाम है कनिष्क एंड आई एम फ्रॉम कुरुक्षेत्र हरियाणा, एंड एक्चुअली आई हैव डन बीटेक फ्रॉम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लंडन मोहाली। नाउ आई एम वर्किंग एज अ वेब डेवलपर इन क्यू डेस्क। ओके, अभी आप वेब डेवलपर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, तो कनिष्क मुझे आप ये बता सकते हैं कि जो वेब डेवलपर की पोस्ट होती है इसमें काम क्या करना होता है? फॉर एग्जाम्पल, जो काफी सारे लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं वो एक अपनी करियर गाइडेंस देखते हैं, तो उसको काम एग्जैक्ट करना क्या होता है? वेबसाइट बनानी होती है या वेबसाइट डिजाइन करनी होती है? क्या क्या काम इस प्रोफाइल में रहता है? देखिए मैम, होता क्या है ना, एक्चुअली अब जब हम इंडस्ट्री में होते हैं ना, तो मतलब एक हर फील्ड के लिए ना एक्चुअली अलग अलग पोस्ट होती है। तो वेब वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर, देर आर मल्टीपल पोस्ट। सो मेरा काम क्या है, मेरा काम है एज अ बैकएंड पार्ट पे। तो क्या होता है ना, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट खोलो, सपोज आपने फेसबुक खोला, तो आपको जो इन फ्रंट में दिखता है वो काम होता है एक फ्रंट एंड डेवलपर का, एंड उसके पीछे जो फंक्शंस हो रहे होते हैं, लाइक सपोज व्हेन यू साइन अप ऑन फेसबुक, सो यू हैव टू एंटर योर नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड दिस थिंग्स, सो इट विल बी सेंड टू बैकएंड, एंड बैकएंड हैंडल करता है इन सारे चीज को कि जो आपकी डिटेल्स को सेव रखता है। तो मेरा एक्चुअली वही काम है कि जो भी बैक में प्रोसेस हो रहा है, जो भी मतलब नीव लगा लो, नीव होती है ना, बैकएंड होती है वो, तो मुझे वो संभालना होता है। एक और मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि अगर कोई फ्रेशर इस प्रोफाइल में काम करता है तो स्टार्टिंग पैकेज लगभग उनको कितना मिल जाता होगा? या मैम एक्चुअली मैं खुद ही एक फ्रेशर हूँ अभी, तो स्टार्टिंग पैकेज आप, अगर आपको बिल्कुल बेसिक नॉलेज भी है तो भी स्टार्टिंग आपकी 40,000 से हो जाती है। अगर आप बड़े शहर में जाए जैसे कि बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, जो कि ये हब्स हैं, इनमें आपको यू कैन एक्सपेक्ट मोर देन 50 ऑल्सो, बट इन गुड़गांव योर मिनिमम पैकेज इज 40,000 इन हैंड, मतलब 40,000 इज योर मिनिमम सैलरी एज अ स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर। ओके, अच्छा इस प्रोफाइल में जैसे कौन कौन सी बड़ी कंपनी जॉब्स देती होंगी, कुछ एक आध कंपनी का नाम हमें बताएंगे कि ये कंपनी इस प्रोफाइल के लिए रेगुलर बेसिस पर लोगों को हायर करती हैं? मैम देर आर लॉट ऑफ कंपनीज हु हायर्स फ्रेशर, लाइक वी कैन से जोलो स्टेज, इनक्रेड, एंड वी हैव इनफिनो, एंड वी हैव
रैपिड लैब्स एंड देर आर मल्टीपल कंपनीज एंड वी हैव MNCs ऑल्सो लाइक इन्फोसिस हु इज हायरिंग फ्रेशर्स अलॉट दे डू हायरिंग इन बल्क लाइक डिलॉयट एंड कॉग्निजेंट एंड विप्रो दीज आर MNCs हु हायर्स फ्रेशर्स अलॉट. ओके कनिष्क, मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे कि आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो क्या इस पोस्ट के लिए टेक्निकल डिग्री होना जरूरी है या कोई भी अप्लाई कर सकता है इस पोस्ट के लिए? बात पता है कि एक्चुअली जब हमारे पास स्किल्स है ना तो हमारे पास टेक्निकल डिग्री है नहीं है वो सब मैटर नहीं करता, क्योंकि देखो क्या है, मैं अपना बताता हूँ. मेरे पास टेक्निकल डिग्री है बट यू नो जब मेरे बीटेक के बाद भी एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट में मेरा नहीं आया क्योंकि जो मेरे स्किल्स थे वो एट दैट टाइम वो इतने अच्छे नहीं थे. तो उस टाइम भी मैंने सोचा कि यार अब करियर को लेके कुछ करना तो है तो क्यों ना अपने स्किल्स को एनहेंस कर लो. तो ऐसे ही मैं नेट पर सर्च कर रहा था कि मल्टीपल कोर्सेज देख रहा था तो मेरे सामने एक नाम आया फंक्शन अप का. तो मैंने वहाँ पे देखा कि फंक्शन अप मतलब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो हमें 4 महीने में एक पूरी बैक लाइक देर आर मल्टीपल कोर्सेज सो आई चूज टू बी अ बैक एंड डेवलपर. सो मतलब वो हमें बैक एंड का 4 महीने में वो हमें एक बैक एंड डेवलपर बना देते हैं जो कि हम इंडस्ट्री लेवल पे काम करने योग्य हो जाएं, मतलब मतलब हम काम कर सकें. तो क्या होता है कि उस 4 महीने में उन्होंने आपको मतलब इतना एक बेसिक से ज़ीरो से लेके वो आपको सिखाते हैं एंड आप 4 महीने तक इतने ट्रेन हो जाओगे कि आप किसी भी कंपनी में जाके इंटरव्यू दोगे अगर आपने ढंग से पढ़े हो, अपना 50% भी दिया है तो भी आप एक प्लेसमेंट ले लोगे. तो उसके लिए क्या होता है ना कि अब जैसे लैंग्वेज है, कोई भी हम लैंग्वेज अगर सीखने जा रहे हैं कोई मैटर नहीं करता कि हमें पीछे कुछ आता है कि नहीं आता, क्योंकि मैं झूठ नहीं कहूँगा मेरे बीटेक के टाइम पे आई जस्ट स्टडीड टू पास द पेपर्स ओनली. सो मेरी कोडिंग स्किल्स बिल्कुल ना के बराबर ही थी तो मैंने भी उस लैंग्वेज को ज़ीरो से ही सीखा. तो यू नो 2 महीने में मैंने मतलब फंक्शन अप का जो पढ़ाने का तरीका है ना मैम, उससे क्या हुआ कि उन्होंने मुझे एक रास्ता दिखाया और मटेरियल प्रोवाइड किया एंड क्लासेस तो जैसे चलती हैं उन्होंने मुझे सब सिखाया. मेरा सिर्फ काम इतना था कि मुझे उनको उस क्लास में ढंग से मतलब अटेंड करना था, उसको अटेंटिव होके बैठना था एंड जो कराया उसकी एक रिवीजन करनी है. मतलब आपने बीटेक करने के बाद फंक्शन अप का कोर्स ज्वाइन किया राइट? हाँ जी हाँ जी. और 4 महीने का कोर्स था? हाँ जी हाँ जी. ओके तो उस प्रॉपर 4 महीने में आपने बीटेक से ज्यादा सीखा या बीटेक से कम सीखा, ये मैं जानना चाहूंगी. मैम 4 साल की बीटेक में मैंने वो नहीं सीखा जो मैं 4 महीने फंक्शन अप में सीख चुका हूँ, ये मतलब फैक्ट है, ये मतलब एक रियलिटी है जो मैं मतलब ये नहीं कहूंगा कि बीटेक में भी. अब देखो ना क्योंकि मैम एक कॉलेज में तो ये होता है ना कि ठीक है एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स है यू हैव टू डू दैट ओनली. यहाँ पे हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत कम है एज कम्पेयर टू थ्योरेटिकल नॉलेज, बट फंक्शन अप में थ्योरेटिकल नॉलेज 10% है और प्रैक्टिकल नॉलेज इज लाइक 90%. तो इस कोर्स को कोई भी कर सकता है या फिर सिर्फ बीटेक कैंडिडेट कर सकते हैं? मैम इस कोर्स को कोई भी कर सकता है बट हाँ ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम में हो उसका कोई मैटर नहीं करता. इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या होता है बेसिकली आपका एक छोटा सा एक लाइक यू कैन से लॉजिकल रीजनिंग का टेस्ट होता है. तो लॉजिकल रीजनिंग लाइक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं तो वो आई थिंक कर लेता है कोई भी क्लियर. बट फंक्शन अप में आने के बाद ना क्या है कि अगर आप देखो इनका जो पढ़ाने का तरीका जो इनका वे है ना मैम वो तो है बिल्कुल ही एक नंबर. क्योंकि जैसे हमारे प्रीतेश सर थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, 2 महीने में एक्चुअली 1 महीने में फर्स्ट मंथ में क्या होता है वो हमें एक लैंग्वेज सिखाते हैं दैट इज़ जावास्क्रिप्ट. सो इट इज़ बेस्ड ऑन योर कोर्स, यू मतलब आपके कोर्स पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स चूज़ कर रहे हो. मैंने बैकएंड डेवलपर का किया तो फर्स्ट मंथ में दे टोट अस जावास्क्रिप्ट दैट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इन द सेकेंड मंथ उन्होंने हमें नोट जेएस पढ़ाया. तो ये सब हो गया कंपनी में काम करने के लिए टेक्नोलॉजी जो हमें आनी चाहिए. देन फिर क्या होता है ना कि जब आप कंपनी में अप्लाई करते हो तो आपका एक पहले टेस्ट होता है. उस टेस्ट में क्या होता है कि लाइक DSA होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स. तो वो एक लाइक जैसे नॉर्मल मैथ्स होता है वो एक कोडिंग का मैथ्स है. तो प्रीतेश सर ने वो हमें ऐसे पढ़ाया कि मतलब मैं अपना मतलब बता रहा हूँ कि वो ऐसे पढ़ाया उन्होंने कि उस एक बार जो वो चीज़ सुन ली ना उसके बाद वो बंदा उसको कोई भूल नहीं सकता. मतलब ये मैंने फंक्शन अप से सीखा कि ऐसा भी लोग पढ़ा सकते हैं कि आप कभी भूलो ही ना उस चीज़ को. बस ये है कि आप कितना अटेंटिव होकर पढ़ रहे हो.
देन फिर फोर्थ मंथ तक हमारा सारा कुछ रिवीजन के बाद दे लाइक उन्होंने हमें फिर प्लेसमेंट्स में लाइक कंपनीज को बुलाया एंड उन्होंने हमें प्लेसमेंट्स में बिठाया एंड दे ब्रॉट अ लॉट ऑफ कंपनीज लाइक हमारे भारे बैच में ही 1000+ कंपनीज फंक्शन अप लेकर आया. इंडिया में किसी भी कोने, मतलब लगा लो किसी भी कोने में आपको जाना आप जा सकते हो. वर्क फ्रॉम होम लेना है वो भी ले सकते हो. अपने घर के पास अगर कोई कंपनी है तो वहाँ पे भी जा सकते हो. फंक्शन अप की इतनी मतलब वो है कि वो लगभग हर कंपनी से उनका टाई अप है या होने वाला है. एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि यहाँ पर प्लेसमेंट मिलती है, तो प्लेसमेंट में जो इंटरव्यूज के जो क्वेश्चंस वगैरह होते हैं वो लोग भी प्रिपेयर कराते हैं या वो खुद आपको करने होते हैं? मैम देखो क्या होता है ना कि जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस है वो भी प्रिपेयर होते हैं, बट अगर आपने फर्स्ट मंथ से लेके फोर्थ मंथ तक मेहनत करी है और उसके बाद इंटरव्यू जो क्वेश्चंस इन्होंने प्रोवाइड किया अगर आप उनको अच्छे से कर लेते हो तो 199% आपकी प्लेसमेंट कन्फर्म है. अगर बाय चांस ठीक है एक कंपनी में नहीं हुई दूसरी में नहीं हुई तो आपको छोड़ेंगे नहीं फंक्शन अप वाले. मतलब क्या है कि वो उनको पता है कि हमारे पास से जो बच्चा पढ़ के गया है वो इतना कैपेबल है कि वो प्लेसमेंट लेगा ही लेगा. इवन कि आपको चलो कोई बात नहीं एक महीना भी होगा ट्राई करते करते, बट यहाँ पे ये है कि होप नहीं छोड़ते फंक्शन अप वाले. ठीक है कोई बात नहीं अपने आपको बेटर बनाओ बेटर बनाओ बेटर बनाओ, और ये भी अगर थोड़ा सा लेट हो जाता है तो प्लेसमेंट भी उतनी अच्छी हो जाती है. मतलब हर चीज़ का बेनिफिट ही है यहाँ पे आके जो मुझे अभी तक फील हुआ. अच्छा मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी कि ये जो कोर्स किया था आपने फीस वगैरह? नहीं मैम फीस का तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं. फीस सिर्फ आपको तभी पे करनी है जब आपकी प्लेसमेंट लगेगी. आपकी प्लेसमेंट नहीं तो फीस नहीं? मैम जीरो फीस, जीरो फीस. एंड अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं तो बिल्कुल आपको कुछ भी नहीं देना. एंड मतलब अब ये देखो कि फ्री में आपको एक 4 साल की बीटेक जिसके नॉर्मली लाइक मोर देन 8 लाख होती है फीस, वो आपको फ्री में नॉलेज मिलेगी. मतलब जब तक प्लेसमेंट नहीं होगी तब तक वो 1 रुपया भी नहीं देना. देखिए हमारे इंडिया में ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो कि बिना किसी चार्जेस के आपको एक अच्छी नौकरी के लायक बनाते हैं, और जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है तब आपको उनकी फीस देनी होती है. तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे इंस्टीट्यूट हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं. आप इन इंस्टीट्यूट का फायदा उठा सकते हैं, एक कदम वो बढ़ा रहे हैं, आपको भी बढ़ाना चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट के साथ जरूर जुड़ना चाहिए. ये कहना चाहते हैं जो 8 लाख का कोर्स करके बीटेक करके लोग सीखते हैं वो आप इस कोर्स के जरिए भी सीख सकते हैं. बस आपकी मेहनत चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, और ये जो सारी चीजें पढ़ा रहे हैं वो पूरा फोकस आपका होना चाहिए क्लास में. फोकस आपका होगा अच्छा तो मटेरियल और जो पढ़ाने का तरीका है और जो इनकी गाइडलाइंस है ना अगर वो आप फॉलो कर रहे हो ना तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 100% गारंटी के साथ कि पक्का आप प्लेसमेंट लेके जाओगे. ओके देखिए फंक्शन अप का जो कैंडिडेट है जिन्होंने खुद कोर्स किया है फंक्शन अप का, वो खुद बोल रहे हैं कि अगर आप इनकी सारी चीजें अच्छे से करते हैं तो 100% आप प्लेसमेंट पा सकते हैं. ये फंक्शन अप नहीं बोल रहा है. साथ में मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहूंगी कि इस प्रोसेस को, इस कोर्स को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? कुछ वेबसाइट वगैरह आप हमें प्रोवाइड करेंगे? या फंक्शन अप की ऑफिशियल वेबसाइट है functionup.org, तो आप उस वेबसाइट पे जाएं एंड उसके बारे में सब फंक्शन अप की नॉलेज आपको मिल जाएगी. एंड हमारे हर कैंडिडेट का नाम भी होगा जो मतलब प्लेस्ड हुए हैं, जिस जिस कंपनी में प्लेस्ड हुए उनके साथ वो लिस्ट भी आपको दिखेगी. देन फिर आपके पास वहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज, अब तो फंक्शन अपने बहुत मतलब काफ़ी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है. यूआई यूएक्स डिज़ाइन का कोर्स भी है, डेटा एनालिस्ट का कोर्स भी है, एंड सेल्स फोर्स का कोर्स, सेल्स वाली लाइन्स का भी अब कोर्स फंक्शन अपने निकाल दिया है. तो आपकी मर्जी है, आपको जिस भी कोर्स में जाना है आप उसके लिए वहाँ पे अप्लाई करें. एंड देन जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो फंक्शन अप से आपके पास एक मेल आती है या फिर उनका कोई बंदा आपसे कॉन्टैक्ट करेगा. देन फिर वो आपका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, मैंने जैसे बताया था आपको लॉजिकल रीजनिंग का. देन उसके बाद आपको एक बैच दे दिया जाएगा जब भी कोई नया बैच स्टार्ट होगा, वैसे तो हर मंथ या सेकेंड मंथ में होता है, तो आपको वो दे दिया जाएगा. ओके तो थैंक यू सो मच कनिष्क, आपने हमें बहुत सारी चीजें बताई. किसी को अगर वेब डेवलपर बनना है तो वो किस तरीके से बन सकता है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट रहती है, वो सारी चीजें भी बताई. प्लस आपने एक बहुत ही अच्छे कोर्स के बारे में हमें बताया जिसमें 0% बिल्कुल जीरो फीस आपको देनी है. जब आपकी प्लेसमेंट हो जाए तब आप उनकी फीस भर सकते हैं, साथ ही साथ प्लेसमेंट आपकी यहाँ से जो है आपके अकॉर्डिंग गारंटेड है. तो आई थिंक आपने काफी सारी चीजें हमारे व्यूअर्स को बताई. थैंक यू सो मच कनिष्क. या थैंक यू सो मच मैम.
सो गाइज, आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और अगर आप भी अपना करियर किसी टेक्निकल लाइन में बनाना चाहते हैं बट आपके पास कोई डिग्री नहीं है, कोई डिप्लोमा नहीं है, तो आप इस कोर्स को इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जरूर ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां पर क्लिक करेंगे तो देखिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। कुछ इस तरीके से इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आपको दिखाई देगी। यहां पर देखिए आपको सिंपली अप्लाई फॉर एडमिशन इन जो दिख रहा है, यहां पर आपको फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, मोबाइल नंबर डाल करके यहां पर आई अलाउ टू कम्युनिकेट विथ मी ओवर व्हाट्सएप और माय फोन पर जो है टिक करना है, देन गेट ओटीपी करके यहां पर रजिस्टर करना है। तो सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको यहां पर 100% जो है जॉब मिल सकती है अगर आप इनके प्रोसेस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। जैसा कि कनिष्क ने भी बताया कि अगर आप इनके पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इन डेप्थ नॉलेज जो ये आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर ए टू जेड अगर आप इनकी सारी चीज फॉलो करते हैं, तो आपको 100% क्या 200% प्लेसमेंट यहां से मिल जाती है। सो गाइज, आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत काम की साबित हुई होगी, और अगर हुई है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।